क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 12th हो चाहे 11th हो, फिजिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, इन सब में एक साइंस से रिलेटेड जो भी बच्चा होता है उसकी एक कॉमन फैक्टर होती है, वो होता है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले अपन इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ये आपको 11th का हो चाहे 12th का हो चाहे उसके आगे वाला हो, ठीक है, सभी का मेन जो बेसिक कंसेप्ट आता है साइंस वाले स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहला जो है अपन फॉर्मूला से शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है dy by dx ऑफ x की पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन। मतलब आपको क्या करना है, जब भी x की पावर में कोई नंबर हो उस पावर को आगे ले आओ और पावर में एक कम कर दो। जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूं यहां पर आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा dy by dx ऑफ x की पावर 5, तो सिंपल सा आप 5 को आगे लिखो और x की पावर एक कम कर दो। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं dy by dx ऑफ 3x स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर को सॉल्व कर दो तो x स्क्वायर को हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो गई तो 1 हो जाएगी 2 की, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 2 6 और ये x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास वेरिएबल डिवाइड में लिखा जाता तो यहां आ जाता x की पावर 4/4, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 4 है तो आप 4/4 में लिखो। x की पावर 4 को अपन सॉल्व करते थे, 4 आगे और x की पावर एक कम, 4 से 4 आसानी से कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा x क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला था। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। तो देखिए नेक्स्ट अपन सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। कभी कभी यही x के फ्रैक्शंस अगर आपको डिवाइड में दिए गए, अगर वो x की पावर वाला नंबर कहाँ हो आपके पास डिवाइड में हो, तो बहुत आसान है, जो पावर लिखी हुई है उसको माइनस में लिखो और पावर में बढ़ा दो, एक क्या कर दो आप बढ़ा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल फर्स्ट dy by dx ऑफ 1/x², तो आपके पास ये चीज क्या हो जाएगी, आपके पास पावर कितनी है 2, तो इसको आप लिखेंगे -2 और डिवाइड में जितना पावर है उसमें एक बढ़ा दो तो x क्यूब हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल dy by dx, ठीक है, अगर आपके पास होता -1/ या माइनस यहां ले लेते तो -3/x⁴, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपके पास कॉन्स्टेंट हो उसको वैसे ही रखो, ये -3 आपके पास एज इट इज रहेगा, पर आपको अपॉन में आ रहा है, अपॉन वाले का मैंने बताया था -4 और एक पावर बढ़ा दो नीचे, x की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। अब आसानी से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4 आपके पास 12 और अपॉन x की पावर 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं dy by dx ऑफ 1/x इक्वल टू, तो आप अगर 1/x का करते हैं तो आपके पास क्या होगा, सिंपल सा, इसकी पावर x की पावर कितनी है 1, तो ऊपर आ जाएगा -1 और पावर में एक बढ़ा, तो ये आपके पास एग्जांपल थे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट की तरफ अब आगे चलते रहते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला आता है रूट एक्स के। ठीक है, तो रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर हाफ है, इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो ये आपके पास 1/2√x, क्या आता आपके पास 1/2√x, इसको आपको याद रखना, आप चाहते हो
तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ क्या है इसका, किस तरीके से आया। तो देखो dy by dx है, इसको मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूँ ना, x की पावर हाफ। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, पावर आगे कर दो और x की पावर में एक कम कर दो, ठीक है। तो और अगर इसको और लिखा जाए तो 1 और x की पावर माइनस हाफ, इस माइनस हाफ को आप नीचे भेज दोगे तो 1/2 और x की पावर हाफ, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 और अगेन रूट एक्स। यानी कि आपके पास वही चीज रूट एक्स अगर आता है तो आपको क्या याद रखना, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ आता है। अगर यही चीज dy by dx आपके पास 1/√x में लिखी आती तो देखो क्या आता, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस बेसिक सा फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। वही चीज सोचो, अब देखो x की पावर हाफ जो है वो डिवाइड में, तो आपको क्या लिखना होता ऊपर माइनस में, जब नीचे x आता था तो मैंने क्या बताया आपको कि पावर को आप ऊपर लिखो माइनस में और एक पावर बढ़ा दो, हाफ की एक पावर बढ़ाने का मतलब x की पावर हाफ में एक बढ़ा दिया तो 3/2, यानी कि एक्चुअल, अगर ये तो अपन ने सोच के लिखा है, अगर एक्चुअली इसको लिखे तो क्या आएगा आपके पास, -1/2 x रूट एक्स, क्या आएगा, अगर अपॉन के अंदर रूट एक्स वाली कोई चीज दिख जाती है और उसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 x रूट एक्स। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिए देता हूं, प्रूफ दे देता हूं, चलो dy by dx 1/ ये रूट एक्स, ठीक है, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर हाफ, इसको और क्या लिख सकते हो, dy by dx x की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब बस सिंपल हो गया, पावर को आगे लिखो और पावर में एक कम कर दो, ये होता फॉर्मूला, बस ये आपका आंसर बन गया 2, ये x की पावर -3/2, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अपॉन में 3/2 और अपॉन में 3/2 का मतलब है -2 x रूट एक्स, पावर 3/2 मतलब क्या हो गया, एक कंप्लीट पावर और एक हाफ पावर, तो x रूट एक्स, ठीक है, नोट डाउन कर ले इस चीज को भी आप। फिफ्थ फॉर्मूला होता है, अगर सिर्फ आपके पास x दिखता आपको कहीं पर, आपको क्या दिख जाए सिर्फ x, तो उसका आपको सिंपल सा पता है कि उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका भी मैं प्रूफ दिए देता हूं आपको, ठीक है। तो ये आपके पास है dy by dx और ये x, फॉर्मूला क्या, यहां पर पावर कितनी है देखो 1, तो तरीका क्या होता है 1 आगे और x की पावर में कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 और x की पावर 0, और किसी भी पावर 0 होती है 1, तो आपके आंसर क्या आ गया 1। यानी कि कभी भी आपको x दिखेगा वहां पर तो आप उसका आंसर सिंपल सा क्या लिखोगे 1। जैसे मैं कुछ इसके एग्जांपल ले देता हूं, एग्जांपल 1 दे देता हूं मैं, dy by dx of 3x, जैसे ये लिखा हुआ, तो सिंपल सा 3 आगे और x का तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं है, dy by dx x अपॉन -2 कुछ भी हो सकता है, तो बस सिंपल सा ये क्या हो जाएगा 1/-2, x का क्या लिख देना आपको 1 लिखे देना है, ठीक है, तो नोट कर ले इस चीज को भी आप। तो सिक्स फॉर्मूले की तरफ चलता हूं, सिक्स फॉर्मूले में क्या है, dy by dx कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नंबर होता है तो आपको पता है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है, तो डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ऐसा क्या, किस तरीके से होता है वो प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो प्रूफ इसका भी, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ये लिख सकता हूं मैं भाई, ये सी लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं dy by dx c x की पावर 0, यही हो सकता है, और अपने को पता है तो कांस्टेंट अगर नंबर होता तो उसको साइड में लिख दो और x वाले का सॉल्व करो, x वाले का सॉल्व करने का तरीका क्या है, पावर को आगे लाओ और x की पावर में एक कम कर दो,
ठीक है। अब यहां दिमाग लगाओ कि यहां मल्टीप्लाई में जीरो आ गया, अब ये कुछ हो ये कुछ हो अपने कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई जीरो देन आंसर विल बी जीरो, यानी कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है आपके पास जीरो। एग्जांपल देखिए, जैसे कि dy by dx यहां पर लिख दिया थ्री, तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो। dy by dx ऑफ माइनस टू, तभी भी आंसर जीरो, ठीक है। dy by dx ऑफ वन by टू, तभी भी आंसर आपका क्या होगा जीरो ही होगा, ठीक है। इसको देखे और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, सेवन फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर सेवन, ठीक है। dy by dx of e की पावर x, अब अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ थोड़ा सा चलेंगे, e की पावर x आया तो इसका आंसर होता है e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वापस डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने पर वापस e की पावर x ही मिलता है। जैसा एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट dy by dx e की पावर, यहां अगर मैंने माइनस x दे दिया तो पहले तो e का आप सोचो, e क्या, e का होगा e का सेम, e का क्या रहता है भाई सेम। अब यहां पर पीछे क्या मिला, समझ लो e सॉल्व हो गया, e सॉल्व हो गया, अब क्या दिख रहा है आपको माइनस x, और माइनस x का क्या होता है माइनस वन, तो आपका फर्दर आंसर क्या हो गया इस तरह। और देखते हैं, और देखते थोड़ा, सेकेंड dy by dx, ठीक है, e की पावर 2x, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या दिमाग में रखना है, जब ऐसा आता है कुछ भी यहां पर ए बी सी डी कुछ भी आता है वो नंबर आप आगे लिख दो, जैसे इसमें था माइनस, यहां था ये देखो माइनस आगे आ गया, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये टू जो है वो टू आगे आ जाएगा और ई की पावर टू एक्स। थर्ड एक और फॉर्मूला, चलो डीवाई बाई डी एक्स ई की पावर फाइव एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ले लो, चलो माइनस का फाइव एक्स, ई की पावर माइनस फाइव, बस ये माइनस फाइव आप आगे लिख दो और e की पावर माइनस फाइव एक्स आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज भी, ठीक है, नोट करें इसको। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं अपन, फॉर्मूला नंबर एट। फॉर्मूला नंबर एट क्या है, dy by dx ऑफ a की पावर x, ठीक है। अगर a की पावर x आता तो उसका फॉर्मुलेट क्या हो जाएगा, a की पावर x log a, a की पावर x log a। एग्जांपल देखते हैं, आप चाहते हैं तो मैं, अगर आपको प्रूफ चाहिए, वैसे प्रूफ कहीं पूछे नहीं जाते हैं आपसे, आप अगर चाहते हैं प्रूफ तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे ये इनको सॉल्व करने के, प्रूफ करने के तरीके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट dy by dx 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का क्या होगा, 2 की पावर x और log 2, बस a की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है 2, तो यहां पर भी a की जगह 2 और यहां पर भी a की जगह 2। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते, dy by dx 2 की पावर जैसे माइनस x आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब देखो बस इस तरीके से लिखना है 2 की पावर माइनस x log 2, पर थोड़ा सा क्या दिमाग में रखना, अब यहां पर आगे क्या लगा दोगे माइनस। एक और एग्जांपल लेते, थर्ड dy by dx, अब यहां पर आ गया 3 की पावर में 2x, इस तरीके से कुछ आ गया, तब आपको क्या करना है, तो सिंपल सा है, पहले तो इसको ऐसे ही लिखो 3 की पावर 2x log 2, ठीक है। अब यहां पर ऊपर पावर में 2x आ रहा ना, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2, यहां पर आप 2 मल्टीप्लाई में लिख दो, बस ये आपका आंसर बन गया, ठीक है, नोट कर लें इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 9 की तरफ आते हैं अपन, 9 dy by dx log x,
तो डीवाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपके पास होता है 1/x, यानी कि जब भी आप लॉग का डिफरेंशिएशन करते हो तो लॉग के साथ जो भी प्रेजेंट होगा उसको आप डिवाइड में ले लो, बस इतना दिमाग में रखना है कि लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा उसको डिवाइड में ले लेंगे, बाकी आगे वो जो चैन रूल होता है वो बाद में फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट डीवाई बाई डी एक्स लॉग 2x, ठीक है। तो देखो क्या करना आपको, अब देखना यहां पर लॉग के साथ जो भी है उसको आप डिवाइड में ले लो, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई, लॉग सॉल्व हो गया, अब क्या दिखा 2x, तो 2x का करोगे क्या मिलेगा 2, 2x का करोगे क्या मिलेगा 2, 2 से 2 कट गया यानी कि क्या मिला आपको 1/x। यानी कि इन जनरल में एक बात बोल सकता हूं आपको, चाहे यहां पर log 2x हो, 3x हो, 5x हो, 10x हो, कुछ भी हो, हमेशा आपका उसका डिफरेंशिएशन जो क्या रहना है 1/x ही रहना है, ठीक है। तो आपको ये साइड में छोटा सा बात लिख सकते हैं, log ax अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको हमेशा 1/x ही मिलना है, दिमाग में पॉइंट को रखे आपने पास। सेकेंड dy बाई डी एक्स आप कुछ भी ले लें, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर log रूट एक्स, अब मैंने यहां लिख दिया log रूट एक्स। अब देखना इसकी भी कहानी आप ढंग से देखें क्या होगा, log के साथ जो भी उसको तो आप डिवाइड में लिख दो भाई, log का सॉल्व करना है तो जो भी लिखा उसको डिवाइड में, log सॉल्व हो गया, log सॉल्व हो गया तो अब क्या लिखा आपको रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखा तो रूट का क्या होता है भाई, रूट का सर होता है 1/2 √x, रूट का क्या होता है 1/2 √x, ये रूट भी सॉल्व हो गया, अब क्या मिला आपको एक्स, और एक्स का कितना होता है 1, एक्स का क्या होता है 1, अब सिंपल कर लो ये आपके पास कितना हो गया 1/2 और ये एक्स। आई बात समझ में, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, नोट कर लो इसको। तो अब अपन ने जो 9 फॉर्मूला देखे, एक बार मैं इन पर थोड़े से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में आपसे पूछता हूं, फिर अपन वापस अगले टॉपिक पर चलेंगे, ये समझ लो स्टेप 1 की तरीके से, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं, तो क्या होगी, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम ली dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर में रूट एक्स, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया क्या बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपल सा तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा ई का सर ई ही रहता है, ई में कोई चेंज नहीं है, चलो ई सॉल्व हो गया, अब क्या मिला आपको रूट, पहले आपको क्या लिखा है रूट, सर रूट का होता है 1/2 √, और अंदर जो लिखा हो वैसा ही, सर रूट भी सॉल्व हो गया, अब क्या लिखा आपको एक्स, और सर एक्स का होता है 1, तो आपका इन फाइनल आंसर हो गया ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 √x। क्लियर हुआ बात, एक चलो एक और लेता dy by dx रूट ई की पावर x, आपके पास अब क्या है रूट और फिर ई की पावर x, तो देखो पहले जो दिखा उसको सॉल्व करो, पहले कौन दिख रहा है रूट, सर रूट का तो होता है 1/2 √, और जो लिखा हुआ वो लिख दो, तो सर ये रूट तो अपना सॉल्व हो गया, ठीक है, रूट सॉल्व होने के बाद आपको मिला ई, सर ई का होता है ई, और उसके साथ जो लिखा उसको लिख दो, सर ये ई भी हो गया सॉल्व, अब क्या लिखा सर x, और सर x का होता है 1, ठीक है, ये आ गया 1, तो यहां पर क्या बच गया e की पावर x अपॉन 2 √e की पावर x, और आपको ध्यान होगा कि नीचे अगर रूट हो और ऊपर परफेक्ट वैल्यू तो दोनों कट जाते हैं, और ऊपर आपको मिल जाएगा e की पावर रूट x और अपॉन में 2, ठीक है। थर्ड चलो इसको लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, चलो मैंने लिख दिया dy बाय dx e की पावर में ex, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत नहीं, देखो पहले कौन लिखा e, सर e का तो e होता है, और उसके साथ में जो लिखा है उसको लिख दो, ये e सॉल्व हो गया सर, आगे चलो मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे मल्टीप्लाई, अब फिर कौन मिला e, सर e का तो e ही रहता है, उसके साथ जो लिखा उसको लिख दो, ये भी सॉल्व हो गया, सर अब है x, और सर x का होता है 1, तो ये आपका हो गया e की पावर ex और ex, ठीक है, तो ये आपके पास था, तो इसको आप देखें, ठीक है। चलो एक और देता हूं,
डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ई या चलो लॉग में या कुछ किसी और में ले लेते अपन, ठीक है, ठीक है, ई की पावर लॉग एक्स लिख देता हूँ, चलो ई की पावर लॉग एक्स, ठीक है। अब इसका क्या होता है, तो थोड़ा सा अगर आपने लॉग प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो याद होना चाहिए एक फॉर्मूला क्या होता है, अगर लॉग प्रॉपर्टी याद हो तो आपको, कि अगर आपके पास a log x और इसका बेस a हो तो ये आंसर आपको x मिलता है। याद होगा आपको का, अगर जहां आपका बेस हो और वो पूरा log के साथ उसकी पावर में लिखा हो तो आपको आंसर सिर्फ वो नंबर मिलता है। तो यहां पर भी ऐसा ही, अगर बेस कुछ नहीं लिखा हो तो e होता है और log के साथ e बेस ही होता है, ln होता है तो tan लेते हैं अपन, तो log के साथ एक तरीके से e ये हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, मतलब x ओनली, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन करें, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है डिफरेंशिएशन किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पहले अपन ने जो 9 देखे उनको आप बहुत बेसिक से दिमाग में रखें, कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके ऊपर कमेंट बताएं कि भाई हमें इस चीज में ये डाउट रहा है, तो उसको फर्दर वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक बार चलो मैं लिख देता हूं क्या क्या होता है, कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पहले sec x dy by dx of cot x and dy by dx of cos x। ये आपके पास फंक्शन लिखे हुए ट्रिग्नोमेट्री के, 6 फंक्शन है आपके पास, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और क्या लिखेंगे। तो जब भी आपको साइन मिलता तो उसका डिफरेंशिएशन होता है आपके पास cos x, जब भी आप cos का करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, tan का करते हो तो आपको मिलता है sec square x, sec का करते हो तो आपको मिलता है sec x tan x, cot का करते हो तो माइनस cos x square x, और cos x का करते हो तो माइनस cos x cot x, ठीक है। अब देखो कुछ जना गलती है माइनस प्लस की कर देते हो, तो ध्यान दें कि जब डिफरेंशिएशन आप c से यानी कि को वाले फैक्टर्स का कर रहे हो, देखो यहां नीचे आपके पास को लिखा है को s cot cos x, जब भी आप जिनके स्टार्टिंग को से शुरू हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, बाकी सभी के देखो जो को से शुरू नहीं हो रहे उनके पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, गलती है कितनी बार कर देते कि प्लस का होगा या माइनस का, छोटी सी मिस्टेक ना करें, ठीक है, ध्यान दें। तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, एग्जांपल लिख देता हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, ठीक है। तो साइन टू एक्स का करते हैं, तो पहले वही आपको जो दिख रहा है उसको सॉल्व करें और उसके आगे फर्दर अपन चलते जाएंगे, किस तरीके से चलेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको मिला साइन, साइन का क्या होता है भाई, सर कॉस होता है और उसके साथ कॉस टू एक्स, तो सर साइन सॉल्व हो गया। अब क्या दिखा आपको, टू एक्स, सर टू एक्स का होता है टू, बस ये आपका आंसर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप क्या लिख देंगे, टू कॉस टू एक्स सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स, जैसे मैंने लिख दिया टेन ई की पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या मिल गया, सबसे पहले tan, तो आपको पता है tan का आपके पास क्या होता है sec square, tan का क्या होता है sec square, और e की x का e की x, ये tan solve। अब आपको क्या दिख रहा है e की power x, तो e की power x का क्या होता है e की power x, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, dy by dx of sec log x, चलो सिम ठीक है, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहले क्या दिखा sec, तो आपको पता है sec का क्या होता है, थोड़ा यहां लिख देता हूं, sec का क्या होता है sec tan,
यही चीज होती है। देखो sec x का क्या होता है, sec x tan x, पर यहां पर x की जगह log x है, तो आप क्या लिखोगे, sec log x और tan log x। अब आपको देखो sec सॉल्व हो गया, तो अब आपको क्या दिख रहा है, log x, और सर log x का होता है 1 upon x, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी, और लिखते हैं चलो, dy by dx e की पावर रूट टेन एक्स, e की पावर में क्या आपके पास रूट टेन एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो किस तरीके से लिखोगे, वो ध्यान दो, सबसे पहले कौन लिखा, e, e का आपके पास क्या होता है, e का एज इट इज e सॉल्व, फिर आपको लिखा रूट, सर रूट का होता है 1/2 रूट, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, ये रूट सॉल्व, फिर आपको मिला टेन, सर टेन का होता है sec स्क्वायर x, ये आपके पास sec स्क्वायर x, इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर रूट टेन एक्स डॉट sec स्क्वायर x और अपॉन में 2√10x। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार नोट करें, ठीक है, और इसमें आगे की तरफ अपन चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशिएशन होंगे वो किस तरीके से किए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन, dy by dx of sin inverse x, dy by dx of cos inverse x, dy by dx of tan inverse x, dy by dx of cot inverse x, dy by dx of sec inverse x and dy by dx of cosec inverse x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें इसमें सिंपल सा एक हर एक जिन दो दो, दो के पेयर में अपने पास रहता है, साइन इनवर्स एक्स का आपके पास होता है 1/√1 − x2, अगर उसी में आप कॉस का करते हो तो वो आपके पास होता है माइनस में, यही आंसर। टेन का आप करोगे टेन इनवर्स का तो आता है 1/√1 + x2, कॉट का करोगे तो यही आंसर आपको माइनस में मिलता है। फिर आता है sec का, तो sec का होता है x√x2 − 1, पर cosec inverse का करोगे तो यही चीज आपको माइनस में मिलेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गए इस चीज के, अपन इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिख देता हूं, चलो dy by dx ऑफ sin inverse 2x, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले कौन मिला आपको इनवर्स, तो इनवर्स का क्या होगा 1/√1 − 2x2। ठीक है, ये इनवर्स सॉल्व, अब कौन मिला 2x, तो 2x का क्या होता है 2, तो अब बस इसको वापस आप लिख देंगे तो क्या लिखेंगे 2/√1 − 4x2। एक और ले लेते एग्जांपल, सेकेंड dy by dx tan inverse √x, चलो ऐसा लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले कौन मिला tan inverse, तो सर tan inverse का होता है 1/√1 + x2, सर tan inverse सॉल्व हो गया, अब मुझे मिला √x, सर √x का होता है 1/√2 √x, तो बस ये आपका आंसर हो गया। इसको फाइनल लिख दें तो अपॉन में पड़ा आपके पास 2√x और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1+x। तो और भी बहुत सारे कुछ भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, वैसे एक्सरसाइज अपन करेंगे तब और भी इनके सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट आप इसको नोट डाउन कर ले, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अपन ने इनवर्स वाले फंक्शंस को देखा, उसके आगे चलते हैं। अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग आती है वो आते हैं दो फॉर्मूले और, जिसमें u अपॉन v और u इंटू v का बहुत बेसिक रोल है।
ठीक है। तो आगे अपने पास हो गए 9 और 6, 15 और 21। फॉर्मूला नंबर 22, dy by dx of u into v, अगर कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो तो उन दोनों फंक्शनों का अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये आपके पास v है, जो मैंने ऐसे ऊपर लिखा v है और ये है। क्यों क्यों 23 नंबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, dy by dx, अगर कोई दो जने डिवाइड में होते u अपॉन v में तो क्या होता, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन और होल डिवाइडेड में v स्क्वायर। ठीक है, मतलब यूज याद रखने का, ये वाला आगे पीछे लिखना और बीच में माइनस आ जाएगा और डिवाइड में क्या लिख देना आपको, v स्क्वायर। चलो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें चलो एक और लिखा देता हूं, अगर आपके पास चार होते, अगर आपके पास सॉरी चार क्या तीन जने मल्टीप्लाई में लिखे हुए होते u इंटू v इंटू w, तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड और थर्ड एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड एज इट इज प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को एक बार आप नोट कर ले ताकि अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, चलो देखो एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड। एग्जांपल बन लेता हूं dy by dx, चलो सिंपल से शुरू करते हैं, x e की पावर x। तो देखो u इंटू v हो गए, दो फंक्शन है एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो देखो क्या था भाई, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x था, तो e की पावर x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1, यहां पर e की पावर x कॉमन, तो x प्लस 1 आपका आंसर हो गया। और लेते हैं एग्जांपल सेकंड, dy by dx e की पावर x log x, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन x प्लस log x आपका आंसर हो गया। जिस तरीके से करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस अपना मेथड दिमाग में रखना है। थर्ड, अगर यही चीजें कुछ डिवाइड में लिखी आ जाती, जैसे साइन x अपॉन रूट x आ गया, क्या आ गया आपके पास, साइन x अपॉन रूट x आ गया, तो वही सेकंड एज इट इज अब u अपॉन v है, तो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन और होल डिवाइडेड में सेकंड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखो, सब दिमाग में हो जाएगा सर, बस इसको इजी लिखना है। तो देखो ये एक्स हो जाएगा, अब यहां पर देखो रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो देखो टू भी आएगा साथ में, तो क्या होगा, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो टू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपके पास आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स अपन कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो अपने को और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ये आपको ये फॉर्मूला और उनको करने के तरीके आपको एकदम दिमाग में रहने चाहिए, ताकि क्वेश्चन किस तरीके से भी हो सकता है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड चार चैप्टर्स है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन आपको अगर ढंग से आता है तो आप इंटीग्रेशन करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस डिफरेंशिएशन को एक बार, इस सेक्शन को आप कंप्लीट करें, फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूं। ठीक है, ओके बाय।